हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक सकुलेंट प्लांट की केयर शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसे स्पाइडर वेब प्लांट भी बोलते हैं, मकड़ी जाला भी बोलते हैं कुछ लोग, और इसे सेम्पीवर्बिमम अर्चुनाइडम भी बोलते हैं। इसका नाम थोड़ा सा टफ है, मैं स्क्रीन पे आपको नाम दे दूंगी तो आप लोग देख पाएंगे कि किस नाम से आप इस प्लांट को नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं इसमें किस तरह से मकड़ी जाले का ही डिज़ाइन बना हुआ है। लग रहा है कि मकड़ी ने ही जाला बना रखा है, तो इसके लुक की वजह से ही इसे स्पाइडर वेब या फिर मकड़ी जाला प्लांट बोलते हैं, और इसे स्पाइडर कॉब वेब भी बोलते हैं। तो कई नाम हो गए इसके, तो आप इन नामों से नर्सरी से ये प्लांट परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत कॉस्टली प्लांट भी नहीं है। मुझे 4 मंथ हो चुके हैं इसे अपने गार्डन में ऐड किए हुए, और 40 या 50 रुपीज़ का ही प्लांट मैं लेके आई थी। काफ़ी छोटा प्लांट था, अब इसने 6 इंच का जो पॉट है पूरा कवर कर लिया है। एक पॉली बैग में 40 या 50 रुपीज़ में मुझे प्लांट मिल गया था, और इसके लुक के ही वजह से मैंने भी इसे अपने गार्डन में ऐड किया था। काफ़ी अलग सा लुक दे रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आज इस प्लांट की केयर मैं आप लोग को बताऊंगी कि इस प्लांट की केयर मैंने कैसे की है पिछले 4 महीनों में, कि इस प्लांट ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, हर तरफ से इसमें ग्रोथ हो रही है और पूरा जो पॉट है वो कवर होता जा रहा है। आपको जो ये सिंगल सिंगल प्लांट दिख रहा है ना, ये काफ़ी बिग साइज़ का हो जाता है। तो स्क्रीन पे आप लोग पिक देख सकते हैं कि जब बिग साइज़ का होता है तो कैसा लुक देता है। ये एक सकुलेंट प्लांट है, साथ में ये एक फ्लावरिंग प्लांट भी है। इसमें फ्लावर्स भी खिलते हैं, आप स्क्रीन पे देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स खिलते हैं अलग अलग कलर में। और ये वाला प्लांट वहाँ पर ओनली ग्रीन कलर में था, तो मैंने यही वाला परचेज़ किया, लेकिन आप इसमें कुछ रेडिश प्लांट भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस प्लांट को जब रिपोर्ट किया था तो सॉइल मिक्सचर जो ऐड किया था वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड, कुछ सकुलेंट प्लांट होते हैं वो काफ़ी हार्डी होते हैं, समर हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, बहुत इजीली बेयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उसी लिस्ट में इस स्पाइडर वेब का भी नाम है। बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, खूबसूरत तो है लेकिन इसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। तो अगर आपने इसकी अच्छी सी सॉइल मिक्सचर बना दी तो ये प्लांट बहुत ईजिली आपके गार्डन में सर्वाइव करेगा और ग्रोथ करके आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाएगा। तो आपको सॉइल मिक्सचर कैसा बनाना है, काफ़ी सेंसिटिव प्लांट है, इसकी जो ब्रांचेज होती है वो तो दिख भी नहीं रही है, पतली सी ब्रांच होती है, और अगर ज़रा सा भी एक्सेस वाटर हुआ या सॉइल मिक्सचर आपने अच्छा नहीं बनाया तो ये प्लांट बहुत ही तेज़ी से डाई हो जाता है, फिर आप इसे नहीं बचा पाएंगे। तो आप इसमें जब सॉइल मिक्सचर बनाए ना, तो सैंडी सॉइल बनाकर तैयार करेंगे। तो जो सकुलेंट प्लांट होते हैं सैंडी सॉइल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं, तो जब भी आप इसका सॉइल मिक्सचर लेना तो उसमें एक हिस्सा रिवर सैंड मिक्स करें, एक हिस्सा गार्डन सॉइल लें, और उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट ऐड करना है। कंपोस्ट की ज़्यादा नीड नहीं होती, प्लांट जब ग्रोइंग सीजन होता है तो ग्रोथ करता है, और जब डॉर्मेंसी पीरियड होता है तब उसे सर्वाइव करके उस पीरियड को क्रॉस करना होता है। तो इसलिए कंपोज आप बहुत ज़्यादा ऐड ना करें, साथ में थोड़ा सा कोई फंगीसाइड या नीम खली पाउडर भी ऐड कर लीजिए कि प्लांट में किसी तरह के फंगस वगैरह के चांसेस ना बने। तो ये सॉइल मिक्सचर है। आगे जब इसकी ब्रांचेज बहुत बिग साइज की हो जाएंगी और इसमें फ्लावर्स खिलेंगे तो मैं दोबारा से इसकी वीडियो आप लोगों से शेयर कर दूंगी कि अब ये प्लांट कैसा लुक दे रहा है। तो अभी भी बहुत अट्रैक्टिव लुक में है ये प्लांट, देखिए हर तरफ से इसमें ग्रोथ हो रही है और ऐसा लुक दे रहा है, देखिए कितना प्यारा है। तो ये सॉइल मिक्सचर बना के आपको प्लांट को रिपोर्ट करना है। हाँ, एक और बात, आप सकुलेंट को कभी भी 8 इंच, 10 इंच या 12 इंच का पॉट ना दें, इसे 6 इंच का पॉट बहुत ही अच्छा रहता है। मैं खुद भी मेरे गार्डन में काफ़ी सारे सकुलेंट प्लांट ऐड कर चुकी हूँ, लेकिन किसी भी सकुलेंट को मैंने 10 या 12 इंच के पॉट में शिफ्ट नहीं किया, बल्कि 6 इंच का पॉट ही हर एक सकुलेंट प्लांट को दिया है और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। पहले भी मैंने चैनल पर अपलोड किया था एक वीडियो सकुलेंट कलेक्शन का, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे प्लांट थे। अब तो और भी काफ़ी सारे प्लांट मेरे गार्डन में ऐड हो चुके हैं, तो आगे जल्दी ही मैं अपने सकुलेंट कलेक्शन का वीडियो दोबारा से अपलोड कर दूंगी कि और कौन कौन से प्लांट मेरे गार्डन में ऐड हुए हैं और पहले के कौन कौन से हैं। तो इस तरह से आप 6 इंच का पॉट देंगे इस स्पाइडर वेब के प्लांट को या फिर किसी भी सकुलेंट प्लांट को। तो ये हो गई पॉट और सॉइल मिक्सचर की बात। उसके बाद हम बात करते हैं सनलाइट की। जितने भी सकुलेंट प्लांट होते हैं वो सन लविंग प्लांट होते हैं, अच्छी सन में ग्रोथ करना अच्छा लगता है, इसलिए आप इसे अच्छी सी सनलाइट देंगे। अगर इस प्लांट में लाइट की कमी हुई तो जी इनकी ब्रांचेज इतना प्यारा सा लुक दे रही ना, वो लंबी सी हो जाएंगी, इधर उधर गिरेंगी तो अच्छा लुक नहीं आएगा, मतलब प्लांट का शेप बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसकी लाइट का ध्यान रखना है, फुल डे की सनलाइट में रखिए। मैंने इसे फुल डे की सनलाइट में रखा है, बहुत ही अच्छे से हैप्पली ग्रोथ कर रहा है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो 3 से 4 घंटे की सनलाइट इसे देंगे ना तभी ऐसा लुक बन के आएगा, अदरवाइज इसका शेप खराब हो जाएगा। तो आपको इसकी सनलाइट इस तरह से पूरी करनी है। उसके बाद वाटरिंग की बात करें तो
वाटरिंग इसको लिमिटेड करनी है। मैं अपने सकुलेंट प्लांट को हमेशा ड्राई सॉइल में रखती हूँ। देखिए इसका सॉइल भी बिल्कुल ड्राई है, तो जब पूरी तरह से सॉइल ड्राई हो जाए ना तब आप इसमें वाटरिंग कीजिए। अदरवाइज़ धीरे धीरे क्या होगा, देखिए इनके रूट्स इनकी ब्रांचेस तो दिख नहीं रही हैं, तो आप वाटरिंग करते रहेंगे अंदर अंदर इसका रूट रोट होता रहेगा और कुछ दिनों में देखेंगे अचानक से पूरा प्लांट जो है वो डैमेज हो चुका है, मर चुका है, तब उस कंडीशन में प्लांट हम बचा नहीं पाते। तो इसलिए लिमिटेड वाटरिंग करेंगे ना, हमेशा सॉइल को ड्राई रखिए। एक हफ्ते में आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, जब सॉइल पूरी तरह से ड्राई दिखे तो प्लांट मरेगा नहीं बल्कि इस तरह से ग्रोथ करता रहेगा और आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। तो वाटरिंग का हमेशा आपको ध्यान रखना है। कंपोस्ट की नीड मैंने पहले ही बताई आपको, ज़्यादा नहीं है। जब रिपोर्टिंग करते हैं तो प्लांट में कंपोस्ट ऐड करते हैं हम लोग सॉइल मिक्सचर में, लेकिन आप इसमें एक साल में एक बार, सिर्फ एक बार आपको इसमें कंपोस्ट ऐड करना है इसके ग्रोइंग सीजन में, और उसके बाद आपको इसमें कंपोस्ट की कोई नीड नहीं है। उसके बाद अगर हम इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो ये ब्रांच के थ्रू ही जो प्लांट है प्रोपोगेट होता है। देखिए जो अलग अलग इनकी ये ब्रांचेस दिख रही है ना, इनमें से एक ब्रांच को आपको कट करना है, उसे आप अलग सॉइल मिक्सचर में लगा देंगे तो वो बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगा। तो आगे जब मैं करूँगी इसे प्रोपोगेट तो आप लोगों से इसकी वीडियो शेयर कर दूँगी। कभी कभार प्लांट में पेस्ट का अटैक हो जाता है, मेरे प्लांट में अभी तो नहीं हुआ, आगे बाय चांस होता है आपके प्लांट में या मेरे प्लांट में, तो हमें नीम ऑयल का स्प्रे करना है। नीम ऑयल स्प्रे कर देंगे प्लांट पे तो बहुत ईजिली जो पेस्ट लगे हैं वो रिमूव हो जाएंगे और हमारा जो प्लांट है यूं ही ब्यूटी बिखेरता रहेगा हमारे गार्डन में। तो ये है स्पाइडर प्लांट की कंप्लीट केयर। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर डेली ही अपलोड होती है जिसे देखकर आप अपने गार्डन के प्लांट की केयर कर सकते हैं। जल्दी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गार्डन के सभी प्लांट का ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।